हूँ आज ए टू जी बोला हूँ और मैंने आज इजलास में कहा कि मैंने कहा कि सस्पेंस में न डाले रखो। मैंने कहा कि मैं अगर गलती पे होता तो मुझे कोई इसमें कबात ना होती कि मैं माजरत करूं या माफिया मांगू। कोई गलती मैंने नहीं की है और मेरा ख्याल है, देखिए मौकिफ की सपोर्ट कोई वोटिंग तो नहीं हुई ना, मैं बोल पड़ा था अपनी जो माफी जमीर था मैंने बयान किया। वो मैंने गिला किया कि ये जो आए दिन लोग बयानात मेरे खिलाफ देते हैं। अब आमिर खान को देखें, हर माह या डेढ़ माह के बाद ये कोई मुतनाज़ा बयान दे देता है। कल वो फिर बोला है खाम खामे, ओ भाई अल्लाह के बंदे कब्र में पांव लटकाए बैठे हो, बूढ़े आदमी हो कमबख्त, और तुम जो है ना डेढ़ माह बाद ये अपनी मौजूदगी का एहसास इसी तरह दिलाता है कि कोई मुतनाज़ा बयान दे दे। लेकिन वो फारसी का एक शेर नहीं है, वो क्या कहते हैं कि उर्फी का शेर है, उर्फी तो मंदेश जगोगाए रकीबा, उर्फी तो मंदेश जगोगाए रकीबा, और सगे नहीं तर्जमा आवाज़े सगा कम न को रिस्क के गदारा। वो कहते हैं ना आवाज़े सगा, वो कुत्तों की बोंगने की आवाज होती है, समझ गए ना। बड़ा मेरे ख्याल में उसको तकलीफ थी कि कोई उसकी जरा इज्जत अफजाई कर लेना, तो लिहाजा अमित खान साहब सुन ले, अब रोजाना तुम्हारे खिलाफ एक बयान दे दागूंगा ताकि तुम्हारी सही। और वो कहते हैं ना रास्ते में कुत्ते बोंगते हैं काफिले चलते हैं, इंशाल्लाह हम अपनी ये सफर जारी रखेंगे। तनकीद क्या कम वक्त, ये मेरे पीछे सब पड़े हुए हैं, रोजाना कोई ना कोई तो कुछ न शगुफा छोड़ देता है। मैंने अब अमित खान के पीछे मैं किधर बोला हूँ, कब्जा किया हुआ है लोगों ने जमात के ऊपर, उनके वक्त आ गया तो फिर नहीं। ये जो अमित खान बोला है आप खुद कहे ना, इसको किसी वो कहते हैं ना क्या इसको तकलीफ थी, कोई मैं इसके खिलाफ बोला हूँ, ये पांचवी दफा बोला है। तो लिहाजा और आज मैंने इसमें कहा इजलास में मैंने कहा चैलेंज करके कहता हूँ कि जो भी बोलेगा ऐसी माशाल्लाह मैं इज्जत अफजाई करूंगा। और ये आमिर खान बैठ के सारा दिन लोगों में कीड़े निकालता रहता है, कमबख्त अपने ये कीड़े निकाल लो ठीक हो जाओगे। बात है सर, फवाद चौधरी कहते हैं कि ऐसे लोगों की तो थोड़ी सी लाइफ होती है 14-15 महीने। ना ये खुद इसकी मेंबरशिप सस्पेंड हुई, खान को इसने छोड़ा, केसों से हटाया गया, ये लोगों को दर्द देता है। आमिर खान ने उनको भी प्लांटेड कर, खुद ये क्या चीज है, खान को बड़ी उम्मीदें दी थी वकला की मैं तहरीक शुरू करूंगा, ये मैं केसेस ये करूंगा, छोड़ो यार, ये यही चाहता था कि इसका जिक्र मीडिया में हो जाए तो इसलिए इसने बयान दागा। रोजाना करूंगा बाप का जिक्र। अच्छा सिर्फ एक बात और, आज आपका जो अंदर सबसे ज्यादा शिकवा गिला किससे था? खान से मैंने गिला किया, खान की गैर मौजूदगी में खान से गिला नहीं, ये सारा खान बैठा हुआ था, मैंने कोई चुप के बात तो नहीं की। खान साहब है मेरा लीडर है, मेरे शिकवे का हक बनता है तो मैं शिकवा तो करूंगा। मिलने जाएंगे उनसे? देखिए मिलने जाने वाला सवाल बड़ा मुश्किल है, वो भी खान है हम भी खान है, समझ गए ना। खान साहब जो है वो शायद अपने शान के मुनाफी समझ रहे हैं मुझे बुलाना, और मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर आपके पास आ रहा हूँ तो कोई जात के लिए नहीं आ रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए। मैंने आज भी कहा कि मैंने कहा पार्टी मुझे कोई फेवर नहीं दे सकती है, ना कोई मेरे सर पे ताज रख सकती है। मैं अगर जा रहा था तो पार्टी के लिए एहतजाज के लिए जा रहा था, आज भी मैंने कहा पार्लियामानी कमेटी में कि मुझे जिम्मेदारी दे दे बाढ़ में जाए एनओसी और 144 से। ये पाकिस्तानी उस वक्त निकले थे जब 9 मई हुआ था, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ निकला था, रास्ते काटे, पुल गिराए, गोलियां चलाई, टीयर गैस, आंसू गैस, हर जगह ये पाकिस्तानी थे, लाखों की तादाद में मेरे साथ निकले। आज वो पाकिस्तानी डर गए, आज तो उनका हौसला और बढ़ गया है, उनको क्या आदत दरकार है कि आदत इनके साथ हो,
तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। नहीं, हमारे आपस में गिली शिकवे तो होते रहते हैं, बाकी कोई ऐसी बात, लेकिन बहरहाल आज की मीटिंग हमने अपने मामलात डिस्कस किए और पार्टी की जो पार्लियामानी पार्टी में जो स्ट्रेटेजी हमने आज की इजलास के लिए, हमें अंदेशा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफीट करने के लिए इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम ला रहे हैं, जिसके रूह से जो एमएनएज पहले एफिडेविट दे चुके हैं उन पे ये कदगन लगा रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये पीटीआई के जो लोग आज़ाद डिक्लेयर हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो अपने अल्फनामे जमा करें, इस प्रोसेस को ये डिफीट करने के लिए ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। लेकिन इसमें दो कबाहतें हैं, एक तो ये है कि को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूरे लीगल जो रिजीम है, जो जितने कवानीन हैं बशमूल आईनी जो आर्टिकल्स हैं, उन सब का जायजा लेने के बाद ये फैसला दिया, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इलम था। और दूसरी बात यह है कि जिस लॉ पे इंटरप्रटेशन पहले से सुप्रीम कोर्ट की हो चुकी हो, उस लॉ के मनाफी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफीट करना जो है वो सरासर गैर कानूनी है। और तीसरी बात यह है कि ऑलरेडी हमने तो इलेक्शन कमीशन में इस कानून के लाने से पहले बयान अल्फी जमा किए हुए हैं, तो लिहाजा ये लॉ जो है रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती है कि आप इसको माजी से जो है इफेक्ट दे दें, प्रोस्पेक्टिव आप कर सकते हैं। तो ये अगर कोई लाते हैं तो हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज किस किस्म का होगा और बाकी होगा क्या? जिस किस्म का इनका फेल होगा वैसे ही हमारा एहतजाज होगा, देखते हैं। भूगड़ताल कैंप में नहीं आप बैठे, आज बैठने का कोई प्लान है या फर्दर नेक्स्ट जब भी होगा? अब भूगड़ताल में कुलीग ने मुझे कहा है तो कोई ये तकबर होगी कि मैं भूगड़ताल, मेरा इरादा नहीं था बैठने का, क्योंकि मैं मेरी दलील ये थी कि मैं चूंकि मेंबरशिप सस्पेंड है तो लिहाजा एक्टिविटीज में मैं ऐसा नहीं लेना चाहता। आज दावत दी आपको, आपको आपको मुझे की जरूरत है या पीटीआई को आपकी जरूरत है, ये आप खुद फैसला करें। जलसे में आपका क्या रोल होगा, क्योंकि 5 अगस्त को जलसे का ऐलान हो गया है? हाँ, 5 अगस्त को जलसे का ऐलान है। 5 मेरा ख्याल है कि अभी इतनी करम फरमाइयाँ नहीं है कि मुझे जलसों में इनवाइट करें। हाँ, अगर इनवाइट करते हैं तो लाजमन खान के लिए तो हम हर जगह जा सकते हैं। आज तो अंदर का माहौल थोड़ा बदला ही नजर आया, सुना है कुछ जपियां डाल के इस्तकबाल किया गया, कोई ऐसे टिकर चल रहे टीवी चैनल्स के ऊपर, कोई आपको ना? मैं मेरे साथ बहुत प्यार से सब पेश आए, तो हो सकता है आपकी मेंबरशिप जो है सस्पेंड की गई वो फैसला वापस बहाल हो जाए, आप उम्मीद नहीं? मैं तो मतलब ये कि 3 मई से बड़े आराम में हूँ, जब से मेंबरशिप सस्पेंड हुई है, न कोई चापा है, न कोई एजेंसियाँ पीछे पड़ी है, न कोई पर्चा हुआ है, मैं लंदन घूम आया, थोड़ी सी ये और तवालत दे दी इसको, मैं इधर कुछ और घूमना चाहता हूँ। आपने कहा कि अब मैं तब आऊँगा जब मैं खुद चाहूँगा वापस, तो अभी तक फैसले पे बरकरार है जी? ये मेरा, देखिए मैंने कोई एक रति बराबर गलती नहीं की थी, ये तमाम जो इकदाम मेरे खिलाफ हुए थे ये बिल्कुल नामुनासिब थे और कोई गलत फहमी नहीं थी, कोई गलत फहमी नहीं थी, बस तख्ते मश्क बना दिया। नहीं, लेकिन एक दो आपके जो बयानात हैं जिससे मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात भी खराब होने का अंदेशा था, माशाल्लाह पार्टी पे प्रेशर, माशाल्लाह वो बयान उस पे लिखा हुआ ना, वो जो ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा था वो ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा था, जमातों का आपकी पार्टी की तक मुजामत पहुंची थी, तो इस हवाले से अभी तक वो बयान है या कि आप वापस लेंगे, क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी थी।